किस्मत किस पर मेहरबान, कौन होगा 13वां सदर पाकिस्तान, फैसले की घड़ी आ गई। आरिफ अलवी, एतजाज एहसन, मौलाना फजलुर रहमान में मुकाबला, खुफिया राय शुमारी से पोलिंग का अमल जारी। राणा मोहम्मद इकबाल ने पहला वोट कास्ट किया, अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार असम्बली पहुँच गए, पंजाब असम्बली के 354 अरकान अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजीर आजम के इलेक्शन के बाद सदारती इलेक्शन में भी ओपोजिशन तकसीम, ओपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार ना ला सकी। जोड़ तोड़ मुलाकातें, टेलीफोनिक रबते सब बेसूद, तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी कायवा ने सदर में जाने का रास्ता साफ। सदारती इलेक्शन पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी, अरकान के लिए असेंबली कार्ड लाना लाजमी करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम देंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पंजाब असेंबली में 185 वोट, 2 आजाद और 1 हके राय दही पार्टी का वोट भी हुकूमती इतिहाद को मिलने का इम्कान। पीटीआई को 33 वोट और नून लीग के उम्मीदवार को 28 वोट मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 है। एतजाज एहसन को 1 वोट मिलने का इम्कान। के रहनुमा हमजा शहबाज वोट कास्ट करने पंजाब असेंबली पहुंच गए। एमपीए सादिया सुहेल, हीना परवेज भट्ट और बेगम जकिया शाहनवाज की भी असेंबली आमद। पहले वुजरा का 3 माह में हनीमून पीरियड खत्म नहीं होता था, अब हफ्ते और इतवार की छुट्टी भी बंद है। ओपोजिशन तकसीम होने से हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ी। आरिफ अलवी पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में पेश करेंगे। सूबाई वजीर इतलास फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक, बोले डीपीओ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को फतेह मिली। आरिफ अलवी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, नून लीग कोई अपसेट नहीं कर सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की असेंबली आमद पर गुफ्तगू, मियां महमूदुर रशीद बोले नंबर गेम पूरी, आरिफ अलवी ही सदर पाकिस्तान होंगे, हुकूमत बना ली, अब हमारा फोकस डिलीवर करने पर है। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद का अनोखा अंदाज, नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नारे लिखा, लिबास पहनकर आए, लिबास पर नवाज शरीफ को इंसाफ दो, वोट का हिसाब दो के नारे दर्ज। आशियान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, अहद चीमा, शाहिद शफीक, इसरार सईद और बिलाल कुदुबाई के जुडिशल रिमांड में 11 सितंबर तक की तौसी। मुलजिमान अदालती अहाते में बेंच पर बैठकर इंतजार करते रहे। आइंदा समाअत में मुलजिमान में रेफरेंस की कॉपीज तकसीम की जाएंगी। अदाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत हेल्थ केयर कमीशन का इजलास। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को क्वालिटी इंश्योरेंस पर रिपोर्ट देने और जुर्माने की मद में वसूली जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की दरख्वास्त जमानत में 17 सितंबर तक। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, आबिद बॉक्सर का कुछ सियासतदानों के खिलाफ हकायक जल्द मंजरियां पर लाने का दावा। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बनाने के खिलाफ महफूज खुराक, सेहतमंद पंजाब, वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और डीजी फूड अथॉरिटी के रात गए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर छापे। नाकिस तेल के इस्तेमाल पर कजाफी स्टेडियम के बाहर कायम दारुल माही सील, बेहतरीन मयार पर डेरा रेस्टोरेंट को 10,000 रुपए इनाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म के नामजद उम्मीदवार एहसान मानी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का भी इम्कान है।